क्या आपको ये पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग फंड कौन सा है? फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई पर्टिकुलर फंड अंडर परफॉर्मर है या नहीं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमें क्यों न्यू फंड्स में और लो AUM के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो आप किस बेसिस पे उस फंड को सेलेक्ट करते हैं? तो जनरली हम किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, दैट इज उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर्स। इन स्कीम्स के परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क एंड अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी, और साथ ही हम इन स्कीम्स का सेक्टर एलोकेशन एंड स्टॉक पोर्टफोलियो भी चेक करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम किसी भी फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि वो पर्टिकुलर फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। जब भी आप किसी भी NFO में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय उस फंड का आपके पास डिटेल्ड पोर्टफोलियो अवेलेबल नहीं होता है। सो मोस्टली किसी भी NFO में अपना इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें सिर्फ रफली ये पता होता है कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा। सो हमें ये पूरी तरह से पता नहीं होता है कि ये फंड किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड ऑफकोर्स ये फंड न्यू फंड है तो इस फंड का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस डिटेल्स भी हमारे पास नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी हमारे पास नहीं है। सपोज कोई NFO फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आ रहा है तो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ऑलरेडी काफ़ी फंड्स अवेलेबल हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा रहा है, तो नेचुरली हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो एग्जिस्टिंग फंड। साथ ही जो न्यू फंड्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, वैसे फंड्स का भी सफिशियंट डिटेल हमारे पास नहीं होता है। इन न्यू फंड्स का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस एनालिसिस हम नहीं कर पाते हैं और साथ ही इन न्यू फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का कैलकुलेशन भी हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो नाउ हमें लो AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट के फंड्स को क्यों अवॉइड करना चाहिए? किसी भी फंड का AUM लो मोस्टली दो कारणों से होता है। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि वो फंड नया है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर वो फंड पुराना है तो उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, दैट्स वाई उस फंड का AUM लो है। लो AUM फंड्स के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी मार्केट में कोई मेजर करेक्शन आएगा तो इन फंड्स का AUM और ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब भी मार्केट्स में कोई करेक्शन आता है उस समय रिडेम्पशंस भी काफ़ी होते हैं, तो इन लो AUM फंड्स का जो AUM है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसके कारण इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ हम स्मॉल कैप कैटेगरी के मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 23 फंड्स हैं। आउट ऑफ दिस 23 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, दैट इज जिन फंड्स ने अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही हम वैसे फंड्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM काफ़ी छोटा है, दैट इज 500 करोड़ से कम है। सो आउट ऑफ दिस 23 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं BOIAX स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड, HSBC स्मॉल कैप इक्विटी फंड, IDBI स्मॉल कैप फंड, IDFC इमर्जिंग बिजनेसेस फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। सो नाउ हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी के 14 फंड्स हैं। करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, दैट्स वाई अगर आप इन स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इन फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। आउट ऑफ दिस 14 फंड्स सिर्फ 3 फंड्स ऐसे हैं जो कि 2 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। ये फंड्स हैं आदित्य बिरला सनलाइफ स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। सो अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फंड्स सुंदरम स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है।
अगर आप 1 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का रिटर्न्स चेक करें विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो इस फंड ने बेयरली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और अगर आप नंबर 1 फंड दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग फंड है, एंड नंबर 2 फंड दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का टॉप फंड है, इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, तो 1 ईयर होराइजन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, बट 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आदित्य बिरला फंड। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज डिफरेंस इन परफॉर्मेंस बिटवीन वन टॉप फंड एंड अंडर परफॉर्मिंग फंड, इसीलिए हम जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो हम ये इंश्योर करें कि हम किसी भी कैटेगरी के टॉप 4-5 फंड में ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो हमारे टॉप 4 अंडर परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, DSP स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। आउट ऑफ दीज 4 फंड्स DSP स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लेजेंडरी फंड हुआ करता था, जिसने ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया था। लेकिन अगर आप इस फंड के रीसेंट टाइम्स का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड एज कम्पेयर टू अदर टॉप फंड्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी अंडर परफॉर्म कर रहा है। नाम इन फंड के कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आउट ऑफ दीज फंड्स कौन सा फंड सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का। सबसे पहले हम इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एज ऑन 1 अप्रैल 2020, ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है, लेकिन ये बुल रन हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, सेम मार्केट में करेक्शंस भी आएंगे। इसलिए जब भी हम कोई भी फंड सेलेक्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो फंड बुल मार्केट में एंड बियर मार्केट में, इन दोनों मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करता है। इस लिस्ट में मैंने इन 4 अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के साथ साथ एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी इंक्लूड किया है, ताकि हम इन अंडर परफॉर्मिंग फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर सकें विथ अ टॉप फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी, जिससे हमें ये पता चल सके कि ये फंड्स कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क का रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन्स में बेंचमार्क ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है, लेकिन अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किया है, और साथ ही 1 ईयर होराइजन में भी ये फंड एज कम्पेयर टू बेंचमार्क काफ़ी कम गिरा है। लेकिन अगर आप रेस्ट 4 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो इन चारों फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन। साथ ही 1 ईयर होराइजन में ये सारे फंड्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। सो आउट ऑफ दिस 4 अंडर परफॉर्मिंग फंड्स DSP स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली कम गिरा है, और साथ ही 10 ईयर होराइजन में इसका रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा है। ना हम इन फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चेक करेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इन फंड्स ने कितना ज़्यादा रिस्क लिया है और एज कम्पेयर टू रिस्क किस तरह का रिटर्न जनरेट किया है। किसी भी फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा से ये पता चलता है कि वो फंड कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है, और जिस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि वो फंड उतना ज़्यादा अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप फंड दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इसका स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर 4 फंड्स। मतलब ये हुआ कि ये फंड कम रिस्क ले रहा है, और साथ ही अगर आप इस फंड का 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में शार्प रेशियो एंड अल्फा देखें तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर 4 फंड्स। 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा काफ़ी ज़्यादा है। दिस मीन्स ये दोनों फंड ने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है। साथ ही 3 ईयर होराइजन में आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड का अल्फा भी निगेटिव में है, और 5 ईयर होराइजन में इन ऑल 4 फंड्स का अल्फा निगेटिव में है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस नाउ हमें ये पता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के
टॉप थ्री अंडर परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं? नंबर वन अंडर परफॉर्मिंग फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, नंबर सेकंड अंडर परफॉर्मिंग फंड होगा सुंदरम स्मॉल कैप फंड एंड नंबर थर्ड अंडर परफॉर्मिंग फंड होगा फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। डीएसपी स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर थ्री फंड्स थोड़ा अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।